नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे ई लिमिटेड के बारे में तो आज पाँच परसेंट की तेज़ी थी पिछले पाँच दिनों में पाँच परसेंट की तेज़ी है पिछले एक मंथ में सत्रह परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न छः मंथ की बात करें तो फोटी के नेगेटिव रिटर्न है मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन हमें दिखाई दिए तो लेकिन अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हाई स्टॉक ने बनाया दो में वो तकरीबन सत्तर के आसपास है फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर आए थे उससे पहले के रिजल्ट से और कंपनी में तकरीबन तकरीबन अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का बट रिस्की स्टॉक है अब रिस्की मैंने क्यों बोला आपको बताता हूँ तो क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है ट्वेंटी करोड़ की और स्टॉक का पी अभी भी अगर हम देखें तो टेन का है ऊपर से स्टॉक ट्रेड कर रहा है बीस के पास लेकिन बुक वैल्यू है थर्टी की डेट कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है प्रमोटर होल्डिंग ट्वेंटी की है और कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है ना ही कोई प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस आए हैं पच्चीस करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में भी पैसा पड़ा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना ही यहाँ पर किसी एफ ने ना ही डी ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है और एक और जो चीज़ तंग करती है वो ये है कि 2020 में प्रमोटर होल्डिंग 70 परसेंट थी और पब्लिक की होल्डिंग थी 30 परसेंट जो कि अब 73 थ्री परसेंट होगी है पब्लिक की और प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है 26.04 परसेंट अब यहाँ पर तेजी के पीछे एक और चीज़ काम कर रही है वो है कि बुल रन चला हुआ है मार्केट बहुत तेज़ भाग रही है जिसके चलते बाकी सारे स्टॉक्स भी भाग रहे हैं अब आपको दिखाता हूँ इसका वॉल्यूम तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन निकल के आती है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है क्योंकि स्टॉक यहाँ से पहले भी नीचे आ चुका है तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन बनाएं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले स्टॉक सपोर्ट ले रहा था अब वहीं पर स्टॉक रेजिस्टेंस फील कर रहा है और यहाँ पर हैवी वॉल्यूम में बाइंग भी हो रही है आज अगर मैं यहाँ पर लेके कर चलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है तो जिन लोगों के पास शेयर हैं नो डाउट आप होल्ड करके चल सकते हैं एक अच्छा पोटेंशियल है और अगर इनकेस स्टॉक यहाँ से निकलता है तो स्टॉक आपको आराम से तीस रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली स्टॉक वहाँ तक जाएगा फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें अभी के लिए दोस्तों इतना ही